हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे पास इशू रहता था इतने पार्ट में कि ये जो नेम रोल नंबर एज है जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए सेम होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के थ्री पार्ट्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज यूजिंग रेफरेंस, सेकेंड वन इज गेटर्स या सेटर्स बनाकर जिनको मेथड्स बोलते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टर बनाकर। तो आज की वीडियो में हम सबसे फर्स्ट टाइप को समझेंगे जिसमें हम रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके या डॉट ऑपरेटर को यूज कर काम करेंगे। फिर हम समझेंगे कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और इससे बेटर क्यों है हमारे नेक्स्ट टू मेथड्स। सो माय नेम इज आंचल एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल द इनसाइड कोडर्स। सो लेट बिगिन। तो अभी तक हमने देखा था कि एक सिंपल से क्लास है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे हमने। हम इसमें क्या करते थे, एक डिस्प्ले फंक्शन भी बनाते थे, बट आज हम वो डिस्प्ले फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से लिखने वाले हैं। तो उस डिस्प्ले फंक्शन को भी हम क्या करते हैं, हमें सिंपल प्रिंट ही कराना है, बट तब हम सिंपल एक मैसेज डाल देते थे, वी आर इन अ डिस्प्ले फंक्शन। बट आज हमें जो हमारा मेन मोटिव है इस डिस्प्ले फंक्शन को बनाने का, वो काम देखते हैं। से मुझे क्या करना है, सबसे पहले नेम प्रिंट कराना है। सो मैं क्या करती हूँ, एक सिंपल नेम एक कॉलन लगा देते हैं। इसके बाद मुझे क्या प्रिंट कराना है, नेम, एक्चुअल नेम क्या था, जो अमन। सो हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट नेम रोल नंबर होगा, इसलिए वो अलग अलग आने चाहिए। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल्फ डॉट नेम से। थोड़ी सी डिटेल में और समझेंगे इसी वीडियो में, फिलहाल के लिए इतने समझिए। इनको अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हम यूज करते हैं सेल्फ यूज करके। फिर उसके बाद हमें इसे अपना रोल नंबर प्रिंट कराना है। तो हमने लिखा रोल और इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे सेल्फ डॉट रोल नंबर। फिर उसके बाद हमें इसे चाहिए अपना एज, तो हम डाल देंगे एज और यहाँ पर हम डाल देते हैं सेल्फ डॉट एज। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी वीडियो में सेल्फ का मतलब तो समझाने वाली हूँ, बट इसके अलावा हमारे पास एक और अल्टरनेटिव होता है, उसको हम जैसे थ्री मेथड्स कवर करेंगे उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को समझेंगे। तो समझेंगे कब सेल्फ लगाना है, कब क्लास का नाम लगाना है, या क्या कुछ हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो वो हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में समझेंगे। और अगर आप इंफोसिस या TCS के किसी भी एग्जाम में अपीयर होते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की, और इसके थर्ड टाइप दैट इज कंस्ट्रक्टर। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत काम आएगा आपको आगे। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या करा, सिंपल प्रिंट करा दिया, अभी थोड़ी देर में समझेंगे सेल्फ को डिटेल में। अब हमें क्या चाहिए कि अभी हमने क्या देखा था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबके लिए सेम वैल्यूज रहेंगी, अमन 34 एंड 11 फॉर द नेम रोल नंबर एंड एज रिस्पेक्टिवली। बट मैं चाहती हूँ कि ये डिफरेंट होनी चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं। से S1 का नेम चेंज करके मेरे को रखना है आंचल, तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, S1.name इज इक्वल टू आंचल। S1 का रोल नंबर से मुझे रखना है 10 एंड 1, ऐसे ही एज रखनी है 21। ठीक है, तो मुझे ये मैन्युअली अलग अलग रखने पड़ेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ तीन चीजें ली, अगर से यहाँ पर 10 प्रॉपर्टीज होती तो 10 प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ता। ये पहला ड्रॉबैक है कि इतना सारा कुछ बार बार हमें इतने एफर्ट्स, इतना टाइम और इतना अपना मेमोरी को वेस्ट करना पड़ रहा है बेफालतू में, राइट। सेम वे S2 के लिए भी से मुझे चेंज करना है। नेम मैं चाहती हूँ इसका हो नमन, फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि हमारे पास रोल नंबर आ जाए 102 और हमारे पास एज आ जाए से 22। ओके, तो ये मैं चेंजेस करना चाहती हूँ। उसके बाद अब मुझे प्रिंट कराना है। अभी तक देखिए हमने प्रिंट कराने का हमारे पास एक सिंपल मेथड क्या है, S1.name को प्रिंट कराया, फिर उसके बाद मेरे को प्रिंट क्या कराना है, S1.rollNumber, फिर उसके बाद मुझे प्रिंट कराना है S1.age। मैंने क्या बताया था, हमारे पास इंजीनियरिंग के तीन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, सेव टाइम, सेव एफर्ट, सेव मेमोरी। तीन चीजों को ध्यान रखना है, टाइम, एफर्ट्स और मेमोरी, इन सबको कम रखना है। अब देखो हमें कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, पहली बात तो ये बार बार इनको वैल्यूज देने के, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स है तब इतना टाइम लग रहा है, अगर 100 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में तो कितना ज्यादा टाइम लगता। फिर उसके बाद प्रिंट कराने में इतना इतना टाइम लग रहा है, तो ये तो एक अच्छा मेथड नहीं है। नो डाउट प्रिंट तो ये अभी भी करेगा, S1 का हमने क्या रखा था, आंचल 101 एंड 21, प्रिंट तो इसने अभी भी कर दिया वो चीज, बट इतने एफर्ट्स नहीं लगाने थे हमें। तो देखते हैं एफर्ट्स और टाइम को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि सिंपल ये हमने प्रिंट वाला काम इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन में बनाया, जो हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है, राइट। अब देखते हैं कि इस मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। तो सिंपल S1 जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है आपको, डॉट डिस्प्ले,
बस सेम वे एस टू डॉट डिस्प्ले, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो इसने क्या करा, नेम आंशु रोल नंबर 101 एज 21, इसने यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया। एक काम करते हैं हम यहाँ पर अपने आप से स्पेसेस दे देते हैं थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा बेटर दिखेगा, नथिंग एल्स। तो जैसे मैंने करा तो इसने इन दोनों के लिए प्रिंट करा दिया, नेम रोल नंबर और एज। आई होप ये चीज क्लियर होगी। बट अभी आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि अब इसको कैसे पता लग रहा है कि ये ही वैल्यूज असाइन हुई है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखो एक्चुअल में काम कैसे कर रहे हैं, जैसे ही मैंने ये एस वन डॉट डिस्प्ले लिखा, बैकएंड पर क्या हुआ, डिस्प्ले नाम के फंक्शन में जो किस क्लास का है, जिस क्लास से S1 बिलोंग कर रहा है, दैट मीन स्टूडेंट क्लास का, उस क्लास के अंदर इसने क्या भेजा, S1, मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल करा था वो यहाँ पर चला गया। सेम वे अगर मैं बात करती हूँ अपने इस वाले ऑब्जेक्ट की S2 के लिए, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, S2, दैट मीन जो भी कॉल करेगा उसको ये ब्रैकेट में भेज देते हैं। अब ये S1 था ना, यही S1 तो एक्चुअल में यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर जा रहा था इस सेल्फ के अंदर, मतलब जब पहले वाले ने कॉल करा तो सेल्फ में क्या आ गया, डिस्प्ले के ब्रैकेट में S1, जब दूसरे ने कॉल करा तो यहाँ पर आ गया S2। ठीक है, पहले S1 के लिए समझते हैं। जब हमारे पास यहाँ पर S1 आया तो प्रिंट में क्या आया, ये एक मैसेज था नेम, फिर उसके बाद S1 डॉट नेम, मतलब ये जो सेल्फ डॉट नेम था अब ये किससे रिप्लेस हो गया, S1 डॉट नेम से, और S1 डॉट नेम क्या था, आंचल। तो ये स्टैक मेमोरी से इस सेल्फ की वजह से जो हमारे पास लिंकिंग थी ना S1 डॉट नेम, ये सेल्फ की वजह से आ रहा है यहाँ पर S1। सेम वे अगर मैं रोल नंबर की बात करती हूँ तो रोल नंबर की में क्या वैल्यू आनी थी, सेल्फ डॉट रोल नंबर, तो सेल्फ में क्या था, S1, तो यहाँ पर आ गया S1 डॉट रोल नंबर। ऐसे ही सेल्फ डॉट एज की वजह से आ गया सेल्फ डॉट एज, इसलिए इसने क्या प्रिंट कराया, नेम इज इक्वल टू आंशुल, रोल नंबर इज इक्वल टू 101 और 21 हमारे पास एज। इसी प्रकार जैसे हमारे पास सेकंड जो हमारे पास था S2 डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ पर ये सारा काम S2 के लिए चला, S2 डॉट नेम, S2 डॉट रोल नंबर एंड S2 डॉट एज। तो इस वजह से हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अपनी वैल्यूज पिक होकर आ रही हैं उस डेटा मेमोरी लोकेशन से। लेट मी टेल, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने मेमोरी लोकेशंस पे डिस्कशन करी थी, तो आपको पूरे पाइथन में दिक्कत रहेगी ही रहेगी, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट आपको इजी हो जाए। मैंने उसमें बताया था कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है, इसकी हमने लिंकिंग देखी थी जिसको हम डॉट ऑपरेटर से इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अब ये वैल्यूज एक्चुअल में चेंज हो रही हैं, और इन वैल्यूज को पिक करके कौन ला रहा है, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर और सेल्फ डॉट एज। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, अगर आपको कुछ भी डाउट है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा जो भी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पर हो क्या रहा है अभी तक, देखो हमने क्या करा, यहाँ पर चेंजेस कर रहे, प्रिंट करा दिया, ठीक है, बट अभी देखो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, सिर्फ दो स्टूडेंट्स के लिए इतना काम करना पड़ गया, तो इतने सारे जब बच्चे आएंगे तो कितना सारा हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो इसीलिए ये जो रेफरेंस मेथड होते हैं या जिसको मैं डॉट मेथड भी बोलती हूँ, ये हमारे पास एक अच्छा मेथड नहीं होता। इससे जो बेटर मेथड है वो है हमारे पास यूजिंग मेथड्स, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।